ये राम 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 राम। अरे पाम भी छू लिया कर कदी। ए, आज कैसे पाम छुआ रहे हो? हाँ छू ले अब। मालिक गलती होगी मालिक। साले बख्तावर पाम छुआ रहा हूँ, तेरी पाम छुआ रहा हूँ मालिक, पाम छुआ रहा हूँ मालिक, मालिक 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 गलती होगी मालिक, गलती होगी है मालिक। भैया कहाँ? भैया मालिक, भैया तो चले गए ऊपर। ऊपर कहाँ चले गए? साफ साफ बोल। हमारे कहने का मतलब है भैया चले गए हिमालय अपने उजरे चमन में खाट डलवाने के लिए मालिक। अच्छा खाट डलवाने? अब बाल आ जाएंगे भैया के। यू कहाँ है? मालिक ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से चिट्ठी आई है आपके लिए। अब चिट्ठी पढ़वाने को नया नौकर बुलवाऊं? पढ़ जल्दी। हाँ हाँ मालिक, हम पढ़ते हैं ना। अरे मालिक ये क्या लिखा है इसमें? मालिक इसमें लिखा है अगर आप एक साल में अपना 10वीं पास सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में जमा नहीं कराओगे तो आपकी सारी धन दौलत गरीबों में दान में दे दी जाएगी। हाँ मालिक। अरे मालिक मालिक। हाँ अरे मालिक क्या हुआ? बख्तावर हम तो गरीब हो जाएंगे। अरे नहीं मालिक, हम है ना एक काम कीजिएगा, हमारे मामा की ना ई रिक्शा की दुकान है, वहाँ से ई रिक्शा लेकर ना आप उसे चला लीजिएगा मालिक। रिक्शा? हाँ ठीक है मालिक। मसूरी दादरी दादरी नोएडा 12-22 सेक्टर 37-37 भाई साहब कहाँ जाओगे? 12-22 निठारी गोल चक्कर डासना। ना 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 रिक्शा ना रिक्शा ना, अरे बहुत गर्मी हो रही है, मर जाऊंगा गर्मी में, बगता हूँ रिक्शा ना चलाऊ मैं। अच्छा गर्मी लगती है आपको मालिक, एक और उपाय है हमारे पास। हाँ बता बता। आप ना कबाड़े की दुकान खोल लेना, उसमें बड़ा मुनाफा है मालिक। कबाड़े लोए टीन प्लास्टिक वाले कबाड़े, बीड़ी गुटका सिगरेट दारू तमाकू कबाड़े, कबाड़े वाले। कबाड़े वाले ना, कबाड़े वाले ना, कबाड़े कहा हुआ भैया जी? रे पंडित जल्दी मंत्र फूक कोई। अरे मंत्र तो हम सारे ब्रह्मांड के फूक देंगे, पर बात तो बताइए बात क्या है? पंडित हमारी जमींदारी जाने वाली है। देखो हंस तो हम लेंगे पर जोक अच्छा नहीं मारे हैं आप। पंडित मैं जोक ना मार रहा। तो फिर बगतावर दया चिट्ठी। ये देखो पंडित जी क्या लिखा है, ये पढ़ो, ये लाइन देख रहे हो? देखा का लेते हैं भैया जी आप? अरे आप जिस स्कूल से 10वीं किए थे। अरे 10वीं किए कहाँ थे, हम तो फेल हो गए पंडित। 10वीं पूरी नहीं हुई थी, इस बार हम पूरी करेंगे स्कूल में वापस जाके। चलिए भैया जी टेंशन मत लीजिए, सेटिंग पूरी है हमारी। तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा तुम लेट हो गए हो अपनी 10वीं करने के लिए? तो कहा होगा दोबारा करवा दो। क्या मतलब? मेरा मतलब गुरुजी, देखो ये हमारा पुराना स्कूल है, अब हमें कोई अगर दोबारा मौका दे सके तो वो आप ही तो। और देखो हमने कभी नुके ही तुम सूखे, तुम लेट बोलो। चुप, अभी तक सुधरे नहीं तुम लोग। जाने दीजिए ना गुरुजी, जाने दीजिए, बाहर जाके अपनी फीस जमा कराओ और कल से आ जाएंगे। अरे मालिक देखा आपने? हाँ बख्तावर देखा, एक बार छुट्टी होन दे फिर या प्रिंसिपल सही सुपे लूंगा मैं। अरे मालिक आप हमेशा मार कुटाई की बातें क्यों करते रहते हो? हम प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं। को पता है कंचा पीस की बात कर रहे हो ना? अरे चुप, शर्म ना आ रही तुम्हें अपनी भाभी को कंचा पीस कहते हुए? अरे वो निधि है मेरी पुरानी सेटिंग। आपने ये तो देख लिया कि भाभी थी, आपने ये नहीं देखा कि भाभी अपने साथ बच्चा भी लेके आ रही थी? बख्तावर सब कुछ छुटता जा रहा है, पहले निधि चली गई, रसीलू भैया चले गए, अभी जमींदारी चली जाएगी। अजी हाँ ऐसे कैसे चली जाएगी मालिक, हम 10वीं पास करके दिखाएंगे।
हाँ, दसवीं पास करेंगे हम। कहाँ घूर रहे हो? इंसान है, रेंजर्स थोड़ी है। रेंजर्स। हाँ, एवेंजर्स। चप। हंस रहे हो? मारूंगे क्या क्या? क्या देख रहा पीछे? Ooh, what? What a hottie, hottie. Sit down, students. What a hottie, hottie. Yeah. You, backbenchers, stand up. I said stand up. ओ झूठे वाले अंकल, तुम्हें ही बोल रही है। चुप। मंदर भूख के यही खत्म कर देंगे तुमको। शट अप। अजी हाँ, ऐसा कैसे सेटअप कर दोगे? यू ना कह रहा पंडित को चुटिया वाला, साले गंजा कर दो एक रैपट में। तुम लोगों का एडमिशन किसने करवाया यहाँ पर? हम करवाए, पूरा पैसा दिया प्रिंसिपल सर को। मेरा मतलब ये है कि इस उम्र में तुम्हारे बच्चों का स्कूल होना चाहिए था ना, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बच्चे कहाँ से आएंगे, एक तो आप लीलू भैया को छोड़ के चली गई, ऊपर से किसी और के बच्चे की मां बन गई। Keep quiet all of you. अब हम क्या करें, खड़े रहे हैं? बैठ जाओ। दीदी मैम। Yes, coming. हाँ तो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? गुरुजी ना पता। बेटा कौन बोला? हाँ भाई खड़ा हूँ मैं। हाँ तू ही। न्यू एडमिशन? हाँ जी सर। तेरा नाम क्या है? मैं लीलू प्रधान, सन ऑफ महावीर प्रधान, गांव खोड़ा, जिला का। बस कर, नाम पूछा है, एड्रेस नहीं पूछा। बेटा तू भी एक बात बता। हाँ सर जी, पूछो पूछो। ये दाढ़ी क्यों नहीं बनवा कर आया तू? मालिक। मालिक? अरे मैं टीचर हूँ। अच्छा सर जी, हाँ तो वो ना, हमें क्या पता कि स्कूल में दाढ़ी छोटी और पैंट लंबी होती है, हमें तो पढ़ने का शौक था, पढ़ने आ गए, है कि नहीं? चुप। जबान पे जबान चलाया जा रहा है, बदतमीज कहीं का। शर्म नहीं आती तुझको? आती है ना। निकल क्लास से बाहर। रे निकल, रे मंदबुद्धि, खड़ा बेटा। बैग लेकर आया है? हाँ सर जी लाए। पेन लेकर आया है? पेन भी लाया है। और बेटा किताबें लेकर भी आया है? लाए है। तो बेटा अपना दिमाग घर छोड़कर क्यों आ गया? अरे मंदबुद्धि क्या हुआ? मंदबुद्धि बोल रहा है भैया जी, दो बार बोला है। छोड़िए पंडित, तू मत बताओ अभी, बता दो आज बात। मास्टर बक्तावर भगा दिया है? नहीं नहीं बेटा, वो तो मैं पंडित को मंद बुद्धि मास्टर नाइक तुम उतरा ले सर जी, बहुत जोर की सुस्त लग रही है, मैं चला जाऊं। बेटा तुम मुत्रालय नहीं जाएगा, तू जाएगा प्रिंसिपल के रूम में। सर जी क्या बताऊं, इन लोगों ने क्लास में मेरी क्या हालत कर दी थी। बक्तावर। हाँ सर। मुर्गा बन जा। पर सर हमारी गलती क्या है? बताता हूँ। है है। बन जा। प्रिंसिपल सर, आज छोटी मैम बुला रही हूँ। नेक्स्ट टाइम। अरे पंडित, तो यार खड़ूस का स्कूल में ना कहीं और जुगाड़ ना कर सके तू? भैया जी बाहर प्रिंसिपल को ले जाके फुल मारेंगे। हम मारेंगे, पेलेंगे साले, खूब मारेंगे। स्टैंड अप ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम।
तो क्या कह रहे थे आप लोग मेरे पापा के बारे में? अरे हम तुम्हारे पापा के बारे में क्यों कहेंगे, हम तो वो खड़ूस प्रिंसिपल को कह रहे हैं। खड़ूस प्रिंसिपल? हाँ, एक नंबर को खड़ूस प्रिंसिपल। एक नंबर का खड़ूस प्रिंसिपल? ये जो एक नंबर का खड़ूस प्रिंसिपल है ना, मेरे पापा हैं। अच्छा बेटा, अब वो पता चली तू टॉप क्यों मारे करी और हम फेल काय को हो करे। क्या सही बात है मालिक, सही बात है। दिल पे मत लीजिएगा, भावना में बह जाते हैं ये। ओए गो टू योर क्लासरूम, गो। हंस रही है, हैं? अरे पंडित रुक कर, तेरे भूमू के चक्कर में इतनी भूख लग गई है मुझे, और एक मालिक है पता नहीं कितनी देर से कैंटीन में क्या कर रहे हैं। अरे वो टोपी मास्टर है, ले चार समोसे दे दे। भैया जी ये स्कूल की कैंटीन है, रेस्टोरेंट में प्लीज खुले पैसे दे देते। अरे ओ तो तू ज्ञान ना मांगो, चुपचाप समोसे दे दे। लो भैया दे दो उनको समोसे। रहने भूख ना, मेरे पैसे हैं इसलिए भूख नहीं है। हाथ छोड़ो मेरा, आप यहाँ टीचर है और मैं आपका बच्चा। बच्चा मतलब स्टूडेंट हूँ मैं आपका। हाय भैया जी आपके समोसे। अरे रख ले समोसे। हमको तो लगता है कोई गलत। अरे मालिक समोसे ले आए आप? वाह मालिक समोसे ले आ, दिखाओ दो ना। मालिक 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 कौन है? मालिक आप मालिक? नौकर? वो तो हम ही है। समोसे कौन लाएगा? हम लाएंगे मालिक। लेगा? चल पंडित चल। मैं क्यों जाऊंगा, चल पंडित नीचे। हमको तो नहीं कहेगा ना कुछ, आजा। मैं आई कम अंदर मैडम? अंदर तो आप आ ही चुके हैं और लंच ओवर हुए 5 मिनट तो हो गए ना, आ रहे हैं मस्ती और टहलते हुए। मौसू का कह रही हो ये दोनों भी तो लेट आए। कौन कहाँ पे? इधर ये दोनों भी लेट। अब पनिशमेंट तो आपको मिलके रहेगी। हाँ तो बना लो मुर्गा, बाप बेटी और कुछ थोड़ी आवे। कुछ ना दे दो पनिशमेंट, बन जाऊंगा मुर्गा मैं तो। तो तुम्हें क्या पनिशमेंट दी जाए? अप्पी शट अप, एक सॉन्ग सुना। पहले तुम वो यूं बताओ तुम्हारा ब्याह कब हुआ है, और बालक कौन सी क्लास में पढ़ा है तुम्हारा? किसने बोला मेरी शादी हो गई है? मैंने अपनी आंखों से देखा है उस दिन अपने बालक लेके ना तू अपने बाप के ऑफिस में जा रही, झूठ बोल रही है। मैं अभी भी अनमैरिड हूँ, ठीक है? अजी हाँ सच में अभी ब्याह ना हुआ? और कब तक जवानी छुपाओगी रानी, अभी बाकी थी कि दुल्हनिया बनोगी। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था लेकिन अब स्टूडेंट है, माइंड इट। लेकिन पापा सब लोग अपनी कॉपी निकालो और नोट करो। वाह वेरी गुड, हवाई नोट्स लिखे जा रहे हैं। वाह वेरी गुड। अरे ना मैडम मैंने नोट्स लिखे हैं। तो दिखाओ। हाँ पंडित पंडित जल्दी नोट दिखा जो मैंने तुझे दिए। दिखा दिखा मैडम दिखा। भैया आप बोल रहे हैं हमने नोट लिखे, आपको पकड़ा दिया हमने। ना ना मैं नहीं भूल रहा, मैं अभी याद दिलाऊंगा। पंडित मैंने दिए याद कर, दिखा दे मैडम दिखा दे। भैया जी हमने हमने लिखे थे, उसके बाद हमने आपको पकड़ा है, आपने बक्तावर को दिए थे। हाँ मैडम याद आ गई, मुझे याद आ गई, मैंने बक्तावर दिए। दिखाओ नोट्स। गुड वेरी गुड, तुम इनसे अलग बैठा करो। वेरी गुड नाइस, अब तुम क्या मेरी शक्ल देखोगे? बाहर जाके खड़े हो जाओ हाथ खड़े करके। तुम भी बक्तावर
आज बाहर मिल प्यार कर मत। मैडम जी ये नोट्स हमारे नहीं है, किसी और के। एक सेकेंड, मैं लोगों को देख कर आती हूँ पहले। लीलू कहाँ है? हमको क्या पता? क्या? मैडम, एक मिनट, अभी जाते हैं। चटाक से जाते हैं और फटाक से ले आते हैं भैया जी। जाओ जल्दी। हाथ खड़े करके जाए या बिठा के जाए? हाथ खड़े करके जाओ या बिठा के जाओ, लेकिन जाओ, जाओ। जाते हैं। कहाँ गया ये बक्तावर? कहाँ गया बक्तावर? ओहो, इस बुड्ढे ने भी ना मेरा कहने का मतलब था कि इन प्रिंसिपल सर ने ना तुम बच्चों के साथ इन सांडों को एडमिशन दे दिया। हंस क्या रहे हो? All of you, come to my office. तुम भी। Shut up! हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि तुम तीनों को स्कूल से निकाला जा रहा है। लेकिन ऐसे कैसे पापा? I think इस वक्त तुम्हें अपनी क्लास में होना चाहिए। लेकिन पापा। Shut up! Go to your class! यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हो? जब गलती मेरी है। हाँ। जब गलती तुम्हारी है तो सजा भी तो तुम ही को मिलनी चाहिए। तुम्हें ही क्यों? तुम तीनों को मिलनी चाहिए। चलो मुर्गा बन जाओ। ना। मुर्गा नहीं। लेकिन पापा इन तीनों को एक चांस तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, दो दिन बाद तुम्हारा टेस्ट होगा। पास हो गए तो ठीक, वरना वरना का दे देंगे टेस्ट। आप यहाँ बैठे हैं और नीलू भैया ने वहां पे टेस्ट के लिए हाँ कर दिया है। एक काम करो, आप भी चलो मेरे साथ। देख पंडित, धूप बहुत है, मैं बाहर निकला तो मेरे बाल जल जाएंगे। हे भगवान, ये जलने की बातें छोड़ो और ये जो दर्शक हमसे प्यार करते हैं इनके बारे में सोचो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें जरूर बताओ, और अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, बेस्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 16 तारीख को आ रहा है इस वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और बेल नोटिफिकेशन अगर नहीं दबाई है तो रसीलू भैया इनको बोलो कि बेल नोटिफिकेशन दबा ले भाई, जल्दी दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाकी प्यार करते रहो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को। लव यू। मलिक क्या हुआ? अरे बक्तावर, यूं कहां कर दियो मैंने? अरे पढ़े लिखे तो हमें जमान हो गए, ये टेस्ट का कद्दू देंगे यार। तुम जैसे जैसे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दोगे वैसे वैसे एक एक कर। वो याद आ गई, देसी बॉयज ने लड़की कपड़े उतारे ना। अरे बंदूक। कैसा रहा टेस्ट? पास हो जाऊंगा। फेल हो गए, फेल। दो दिन पहले तुम्हारी क्लास में तीन गेस्ट आए थे जो कि अब
जाने वाले हैं।